हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं हैं जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, दिया गया है कि संस्कृत स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी कर दी गई है। जहां तक प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत स्कूलों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में 850 मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 31 जुलाई तक भर्ती कार्रवाई पूरी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन की ओर से जारी समय सारणी के अनुसार 30 मई तक विद्यालय खाली पदों की सूचना DIOS को भेजेंगे। इसी बीच DM चयन समिति का गठन करेंगे। विज्ञापन 3 जून तक जारी कर दिया जाएगा और 29 जून तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी व शैक्षिक गुणांक 24 जून तक तैयार कर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पत्र भेजा जाएगा। 6 जुलाई तक साक्षात्कार होंगे। इसका परिणाम व नियुक्ति पत्र 16 जुलाई तक जारी किया जाएगा। 31 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही इन शिक्षकों से पठन पाठन शुरू कराया जा सके। पारदर्शी होगी नियुक्ति प्रक्रिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए अभ्यर्थियों के शैक्षिक व साक्षात्कार गुणांक को वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक नोडल अधिकारी होंगे। चयन प्रक्रिया की सुचिता व पारदर्शिता की जिम्मेदारी मंडलायुक्त व DM की होगी। यदि कोई सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसे हटाया नहीं जाएगा, उसके पद को घटाकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अनुमोदन के बाद ही मानदेय पर चयनित शिक्षकों का वेतन जारी होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि संस्कृत विद्यालयों में 850 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका जो समय सारणी है वो जारी कर दिया गया है और आपके आवेदन जल्द शुरू हो जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया जो होगी आपकी मेरिट और आपके साक्षात्कार के हिसाब से होने वाली है। अगली सूचना जो दी गई है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से है। इसमें अभ्यर्थियों ने मांग की है कि PT के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाए जिससे उनको ज्यादा अवसर मिल पाए, ज्यादा परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिल पाए। जैसा कि ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आ चुकी है लेकिन अभी तक उसमें कोई एक मानक नहीं रखा गया है, कोई कटाप नहीं रखा गया है कि कितने अंक वाले अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ पाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसा कि PET हर साल कराता है, हर वर्ष PET होता है, ये भर्ती 2022 PET के आधार पर होने वाली है और इसमें लेकिन अभी तक कोई कटाफ जारी नहीं किया गया है। पहले से बताया नहीं गया है कि इतने अंक वाले मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, जिसमें न्यूनतम अंक निर्धारण न करने से सीटें कम होने व आरक्षण में कटौती को लेकर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है। वो चाहते हैं कि न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाए ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक अवसर मिल पाए। 2022 के स्कोर कार्ड पर मेरिट बनाई जाएगी। लाखों छात्रों का कहना है कि इसमें न्यूनतम कटाप न होने से जो हाईएस्ट कटाप वाले हैं, हाईएस्ट मेरिट वाले हैं, उन्हीं का मुख्य परीक्षा में अवसर मिलता है, बाकी अन्य बाहर हो जाते हैं। ऐसे में 70 नंबर जो PET में पाए हैं उनको भी इसमें बैठने का कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से छात्र मांग करते हैं कि इसमें कोई एक निर्धारित कटाप जारी किया जाए जिससे वो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो पाए। अगली सूचना दी गई है जो अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की UG एवं PG के विभिन्न ब्रांचों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें छात्र छात्राएं ऑनलाइन पंजीकरण 10 जून तक करा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 15 जून तक शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। IIT के विभिन्न ब्रांचों में JEE मेंस CUT के रैंक से सबसे पहले प्रवेश दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने JEE मेंस दिया या CUT परीक्षा के रैंक उनके पास में है उनको पहले अवसर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विजेंदु चतुर्वेदी ने बताया कि प्रवेश समिति ने IIT के BTEC एवं MTEC के विभिन्न ब्रांचों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें सबसे पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश JEE मेंस CUT के रैंक के आधार पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो छात्र छात्राएं IIT में जाकर के इन ब्रांचों में अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ जो है शुरू हो गई है, तो इसमें से आप पंजीकरण करा सकते हैं। ये थी आज की सूचनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल पर अगर हमारे नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।